कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले आइकॉन द्वारा बनाए जाने वाली ब्रू 100 टैबलेट के बारे में। ब्रू 100 टैबलेट में ब्रूवासेटम 100 mg कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइस लगभग 346 रुपए है। ये 10 गोली का पत्ता आता है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। सबसे पहले जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। ब्रू 100 टैबलेट का इस्तेमाल मिर्गी दौरे के इलाज में किया जाता है। ब्रू 100 टैबलेट एक एंटी एपिलेप्टिक नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को धीमा करने का काम करता है, जिसके कारण दौरे या फिट्स आते हैं। इस दवा का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के दौरे में किया जाता है। यह अनियंत्रित रूप से हिलने, झटके खाने, भ्रम जैसी मूवमेंट, जागरूकता की हानि, डर, एंजाइटी जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह दवा लेने पर आपको कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो अन्यथा आप नहीं कर सकते, जिसे करने में आपको डर लगता है, जैसे स्विमिंग या ड्राइव करना। इस दवा को असर करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं, क्योंकि खुराक को धीरे धीरे बढ़ाना होता है और समय के दौरान आपको दौरे पड़ सकते हैं। ब्रू 100 टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले ज्यादातर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती और रोजाना इसका सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। ब्रू के सामान्य साइड इफेक्ट जैसे आवेश, आक्रामक व्यवहार, चक्कर आना, दवा खाने के बाद आने वाली नींद, सुस्ती जैसे लक्षण शामिल है। आप जानते हैं ब्रू टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा के डोज और डोज की टाइमिंग के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ली, इससे साबुत निकली। इसे ना ही चबाए, ना ही कुचले और ना ही तोड़े। ब्रू 100 टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसे फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए। इसे यूज करने के लिए कुछ खास टिप। ब्रू 100 टैबलेट नियमित रूप से अपने डॉक्टर द्वारा निर्देशित रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि बीच में खुराक छोड़ने के कारण दौरे पड़ सकते हैं। आपकी दवा की ब्रांड को न बदले, ये सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में दवा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।